आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को देखने जा रहे हैं। शायद है कोई वर्ष ऐसा होगा जब कक्षा 10वीं में इस अध्याय से प्रश्न न बने हो बोर्ड परीक्षाओं में। बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह कहने के ही एक इंसान के विश्वास को ईश्वर के प्रति भी दिखाता है। तो चलिए देखते हैं, अध्याय का नाम है आपका ए लेटर टू गॉड और इस अध्याय की पूरी समरी को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है आपका ये, हम लोग एनसीईआरटी की बुक से आपको पढ़ा रहे हैं और प्रयास हमारा ऐसा रहेगा कि आपको एक एक शब्द क्लियर हो। फिर भी प्रयास आप करिएगा कि अगर कोई चीज़ ना क्लियर हो तो उसे आप पूछिएगा। देखिए शुरुआत करते हैं अध्याय यहाँ से आपका। अध्याय आपका यहाँ से शुरुआत होता है दाहोस से। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है आपका द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मैंने घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली जो कि संपूर्ण घाटी में एकलौता था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो एक पहाड़ी पर स्थित था। मतलब एक घर जो संपूर्ण पहाड़ी में बिल्कुल एकलौता था, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं अकेला था। वैसे आपको इसकी समरी मालूम होगी कि यह एक किसान की कहानी है जिसका ईश्वर पे अटूट विश्वास होता है, तो उसकी कहानी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले लाइन का अर्थ है आपका कि वह घर जो संपूर्ण घाटी में इकलौता था, वह एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता था द रिवर माने नदी को एंड द फील्ड माने खेतों को ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ से देखिएगा फ्रॉम दिस साइड मैंने इसकी ऊंचाई से वन कुड सी मैंने प्रत्येक व्यक्ति देख सकता था द रिवर माने नदी को एंड द फील्ड माने खेतों को ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए जो कॉर्न के खेत थे, मतलब पके हुए अनाज के खेत थे, उसको देख सकते थे। डॉटेड विथ द फ्लावर्स जो कि फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो कि हमेशा वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट माने एक अच्छी फसल की। द ओनली थिंग एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पोर और ए लिस्ट ऑफ सावर, एकमात्र चीज जिसे पृथ्वी को काफ़ी हद तक आवश्यकता थी वो थी आपकी बौछार या मूसलाधार वर्षा, ये कह सकते हैं, या फिर सावर का मतलब आप बूंदाबांदी भी कह सकते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को नज़दीकी से देख रहा था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो जो लेंचो था हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीकी से देख रहा था, उसने क्या किया, कुछ और तो नहीं किया लेकिन सी द स्काई लेकिन आसमानों को जरूर देखता रहा। कहाँ से? टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से आने वाले आसमानों के अलावा उसने कोई दूसरा काम नहीं किया, ये कह सकते हैं कि उसने उत्तर पूर्व से आने वालों सिर्फ बादलों को ही देखा, इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई काम और नहीं किया। आगे है नाउमन, अब वी आर रेलिंग गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। नाउमन हम अब वी आर रियली माने हम वास्तव में गोइंग टू गेट माने जा रहे हैं, गेट माने प्राप्त करने, सम वाटर माने कुछ पानी। ओमैन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम वास्तव में कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वह जो औरत थी जो कि संध्या का समय भोजन बना रही थी, उसने क्या किया, जवाब दिया, क्या दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड, जो पुराने लड़के थे, तो पुराने यहाँ शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो बड़े लड़के थे, वी आर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेतों में काम कर रहे थे। वाल मन जबकि द स्मॉलर वंस वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के कहाँ खेल रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल वन, जब तक द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी माँ ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया। आगे देखें, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट,
ये खाने का समय हो चुका था एक तरीके से। जस्ट इज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, तभी लेंचो ने एक भविष्यवाणी की कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बड़ी बूंदे पानी की हैं, बिगेन टू फॉल, और जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की वैसे पानी की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन, मैंने बड़े बड़े पर्वत, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मैंने होता है झपटते हुए, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे आते हुए। तो इन द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन माने बड़े बड़े पर्वत, और क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो झपटते हुए दिखाई दे रहे थे या फिर वो पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी थी और मधुर थी। द मैन माने आदमी, वेंट आउट माने बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जबकि अपने शरीर को उस बारिश का आनंद दिलाने के लिए बाहर तक गया था। एंड व्हेन ही रिटर्नड, और जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्यचकित था कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वास्तव में पानी की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई माने जो आकाश से गिर रही हैं, ये वास्तव में पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट्स, ये 10 सिक्कों के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, जबकि छोटी बूंदें जो हैं वह 5 सिक्कों के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ये लाइन है आपकी चल रही इस समय, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह खेतों में लगे हुए जो फूल हैं उनको जांच पड़ताल कर रहा था। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि संतुष्टि की भावना के साथ उसने पके हुए अनाज के खेतों को फूलों के साथ देखा, जो कि ड्रेप्ड माने ढके हुए थे, इन द कर्टन ऑफ रेन, जो कि बारिश की चादर से, कर्टन माने होता चादर, जो कि बारिश की चादर से ढके हुए थे। बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा चलने लगती है, बिगिन टू ब्लो माने बहने लगती है, एंड अलोंग विद द रेन विथ लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और पानी के साथ में बहुत बड़े ओले के जो कण हैं वो भी गिरने लगते हैं। ये लिखा है ना आपका, बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा बहने लगती है, एंड अलोंग विद द रेन, और पानी के साथ में, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े पानी जो ओले के पत्थर हैं या फिर ओले हैं, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगते हैं, मतलब पानी के साथ में बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज में लड़के, एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन, जो लड़के थे उन्हें दौड़ दौड़ कर वहाँ से, कहाँ से, पानी से निकाल रहे थे। रन आउट, दौड़ रहे थे, टू कलेक्ट माने इकट्ठे करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स माने बर्फीली मोतियों का, और ये बरसात में भीगने की परवाह न करते हुए उन बर्फीली मोतियों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बेड आउट, इट इज रियली, अब वास्तव में गेटिंग बेड नाउट माने गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा कि अब वास्तव में गलत हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि यह तेजी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे तक, द हिल माने ओले, रेंड माने बरसे, ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन गार्डन पर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड खेतों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में भी गिरे। द फील्ड माने खेत, वाज व्हाइट, सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड, ऐसा लग रहा था जैसे ये कवर हो गया हो, विथ साल्ट माने नमक से, ऐसा लग रहा था जैसे ये नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ माने एक भी पत्ती, नॉट ए लीफ माने एक भी पत्ती नहीं थी, रिमाइंड माने शेष, ऑन द ट्री माने पेड़ों में, एक भी पत्ती पेड़ों में शेष नहीं बची थी। द कॉर्न माने फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पेड़ों से पूरी तरह चले गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब वह तूफान गुजर गया था,
तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेतों के मध्य में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कह रहा था कि एक प्लेग ऑफ लोकट्स, ए प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब है एक टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर एक टिड्डियों का झुंड भी आता तो वह इससे अधिक कुछ छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। उसने कहा यदि टिड्डियों का झुंड आता तो वह भी कुछ ना कुछ अधिक छोड़ देता, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई फसल पैदा नहीं होगी, या फिर इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट मन नाइट मन, इस रात वाज इज सारफुल वन, ये जो रात है आज की ये वास्तव में भयंकर या डरावनी रात है। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा कार्य फॉर नथिंग, मैंने कुछ नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी सेल आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ से, बट माई, लेकिन इन द हार्ट्स, मैंने हृदय में, ऑफ आल, मैंने उन सभी के, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो से एकांतवास के मकान में रहते थे, उन सबके हृदय में एक आशा थी। क्या थी? इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में रहते थे उनके हृदय में सिर्फ एक आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, माने भगवान से मदद। फिर से देखिएगा, बट माई, लेकिन इन द हार्ट्स, मैंने हृदय में, ऑफ आल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो एकांतवास में रहते थे उन सभी के हृदय में। इन द मिडल ऑफ द वैली, मतलब जो घाटी के मध्य में रहते थे उन सभी व्यक्तियों के हृदय में सिर्फ एक ही आशा थी, क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत होना, मतलब ये लेंचो समझा रहा परिवार वालों को, परेशान मत होना। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ध्यान रखो कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. फिर से देखेंगे इस लाइन को, don't be so upset, परेशान मत हो। Even thought this seems, ऐसा प्रतीत होता है कि like a total loss, पूरी तरह नुकसान हो गया है। Remember, याद रखो, no one dies of hunger, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ये लाइन ध्यान देना, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो। दैट्स व्हाट दे से का मतलब है याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। आल थ्रो आउट द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट, मैंने सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, एकमात्र आशा के बारे में। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद के बारे में पूरी रात सोचता रहा। हुज आईज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि लगातार निहार रही थी या फिर लगातार देख रही थी। सी एवरीथिंग, मैंने प्रत्येक वस्तुओं को, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्सियस, उसकी जो आंखें थीं, या फिर ये कह सकते हो कि सारी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें जो थी जैसा, उसकी आंखों ने जैसा जो कुछ देखा था, जो कुछ उसके मन की गहराई में था, वह सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। लेंचो वाज एन ऑक्स मैन, या फिर लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल की तरह आदमी था, मतलब लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। ऑफ ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, मैंने हृदय में, बट मैं, लेकिन इस चलवाने, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, मैंने कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगता है। वेन, मैंने, सॉरी, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं वुड कैरी में ले जाता है, टू टाउन, मैंने शहर की ओर, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिया में डाल देता है। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, सॉरी, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, बल्कि यह एक भगवान